हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं बिटोफाइल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जैसे कि कल हमने बात करी थी बिटकॉइन के बारे में, एंड बिटकॉइन फाइनली अपना जो 60,000 का लेवल है वो यहां पे ब्रेक कर चुका है। और ये एक पॉजिटिव सिंबल है हम सभी लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं जो इस टाइम पे बुल रैली है वो यहां पे और ज़्यादा मेन हो सकती है। और अभी करेंटली बात करी जाए तो यहां पे मार्केट थोड़ा सा ड्रॉप ले रहा है, जो कि इसको सपोर्ट बना सकता है अराउंड 59,000 के एरिया के आसपास, जो कि हमें लास्ट टाइम भी यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। अभी करेंटली मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो वीकेंड आने वाला है, मतलब मंडे को जो वीकली कैंडल है वो क्लोज होगी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यही कि वो 60,000 के ऊपर एटलीस्ट यहाँ पे बना रहे एटलीस्ट वीक एंड तक। और अगर यहाँ पे किसी भी कंडीशन में 65,000 का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है तो ये और ज़्यादा बुलिशनेस होगी मार्केट के लिए, जहाँ पे कि हम और ज़्यादा तरीके से पॉजिटिव हो सकते हैं। हालांकि मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे कप जैसा फॉर्मेशन किया है और आज फाइनली मार्केट इसको ब्रेक करके गया है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर होल्ड करता है तो आने वाले जल्द ही टाइम के अंदर हमें 1,20,000 डॉलर का मार्क देखने को मिल सकता है। एक एस्टिमेटेड टाइम अगर पकड़ के चलें तो इस पूरे ब्रेकआउट को होने में लगभग यहाँ पे हमें 158 डेज़ का टाइम लगा है, तो इसके 30% टाइम के अंदर या 35% टाइम के अंदर हम लोग 1,20,000 के मार्क को टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो वेट करते हैं कि यहाँ पे क्या मोमेंटम आते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं और वीकली क्लोजिंग हम लोगों को कैसी देखने को मिलती है, जिसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफर कर जाती हैं। और यहाँ पे जो मार्केट है उसका मोमेंटम भी उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड यहाँ पे करने वाला है। ईएमए रिबन के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो करंटली अगर आप 4 आवर के अकॉर्डिंग देखें तो अभी करंट जो सपोर्ट है वो 59,500 के आसपास है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, एंड सेकेंड सपोर्ट हमें 54,700 के आसपास मिलेगा, जो कि सबसे लोएस्ट सपोर्ट है आप कह सकते हैं ईएमए रिबन का। जैसे कि लास्ट टाइम भी मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर करके बाउंस करा था, तो इसके लिए ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बाउंस आता है तो हमें वही सेम चीज़ देखने को मिलने वाली है। इंडिकेटर्स की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो इस वाले को और थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं, तो ये वही फिर से बियरिश डाइवर्जन फॉर्म कर रहा है, तो यही कह सकता हूँ कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि जब भी बियरिश डाइवर्जन फॉर्म होंगे हल्का फुल्का करेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये करेक्शन अगर नीचे आता भी है तो स्टिल मैंने आपको दोनों लेवल बता दिए, 54,000 एंड 59,000, जिनके ऊपर आपको यहाँ पे अभी फोकस करके चलना होगा। मैकडी के अंदर भी अब हमें थोड़ा सा कर्व देखने के लिए मिला है, बट ये कर्व अगर वापस से बाउंस बैक कर जाता है तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा, नहीं तो छोटा मोटा हमें करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि मार्केट इस तरह डाउनवर्ड में वापस से एक कह सकते हैं कि इस पूरी की पूरी रैली को इस तरह फॉर्म करे, लेकिन अभी यहाँ पे वीकली क्लोजिंग का थोड़ा सा वेट करना होगा। एंड क्योंकि अब मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है तो हम इतना ज़्यादा बियरिश नहीं होंगे, हल्का फुल्का बियरिशनेस या फिर हल्का फुल्का जो लेवल ऑफ करेक्शन है बस वही हमें देखने को मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम बाय द डिप जो है उसी चीज़ को फॉलो यहाँ पे करने वाले हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके ऊपर यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, और ये डिस्काउंट यहाँ पे 30% का है 17 अक्टूबर यानी कि कल संडे तक। तो अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं करा है, आप समझना चाह रहे थे, तो आप इसके अंदर ज्वाइन करके सीख सकते हैं कि कैसे चार्ट को एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, कहाँ पे आपकी जो कंडीशन मीट करेंगी और कैसा प्रॉपर मनी मैनेजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptofail के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और डिटेशन पे नहीं है। चलिए वापस आते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। सीएमई चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो फाइनली हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया है, और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मार्केट का ये एक बुल फेस की तरह है, यानी कि मार्केट इसको अगर ब्रेक कर लेता है तो ऑलमोस्ट आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट 70,000 के आसपास, इसके उस टाइम पे लाइन यहाँ पे थी, अभी क्योंकि लाइन एडजस्ट हो गई है तो हम 70,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर जा सकते हैं मार्केट के। लेकिन वही अभी 65,000 का लेवल रहेगा, तो उसका आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, वो भी ब्रेक हो जाता है तो आपको एडिशन कन्फर्मेशन मार्केट का देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस कल फिर से इंक्रीज़ हुई थी, अभी थोड़ा सा डोमिनेंस पर कैप लगता हुआ सब मिल रहा है, और बिटकॉइन की प्राइसेस जिस तरह नीचे आ रहे हैं तो आई थिंक कि वापस डोमिनेंस 45/25 के आसपास ट्रेड कर सकती है, यानी कि थोड़ा सा हल्का फुल्का मार्केट यहाँ पे होवर कर सकता है और उसके बाद डोमिनेंस फिर से अपनी इंक्रीज़ कर सकती है 49% तक। तो अल्ट्स में इस टाइम पर मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा, और वापस जब डोमिनेंस अपने आपको इंक्रीज़ करेगी तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो अल्ट्स हैं उनसे थोड़ा फिर एग्जिट हो गए, वापस से बिटकॉइन की तरफ आना होगा। यहीं पे अगर अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करी जाए तो ये स्टिल बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट बार बार बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, बट क्लियर कट उसको वहाँ से ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं। इवन दैट अगर यहाँ से थोड़ा बाउंस भी आता है तो हो सकता है कि वापस मार्केट इस तरह थोड़ा बाउंस बैक यहाँ पे कर जाए, तो हम लोगों को थोड़ा वेट करके चलना चाहिए कि अल्ट्स में यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी सी शांत होती है तो अल्टकॉइन में आपको एक अच्छा मेजर मोमेंटम देखने को मिल पाएगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं इथेरियम के बारे में। फाइनली इथेरियम अपनी कह सकते हैं कि रैली को वहाँ पे पकड़ लिया है, और अभी करेंटली मार्केट 3,970 के आसपास हिट कर गया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो नियरेस्ट लेवल है वो इसी जोन पर आएगा, जो कि 4 के है, और ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट का सेकेंड लेवल 4,000
1400 को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। तो आप चाहे तो इसका वेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको दोबारा से री एंट्री चाहिए और मार्केट गिरता है तो 3600 से 700 की रेंजेस में आपको दोबारा से बाय मिल जाएगा, जहाँ से कि मार्केट 4400 के लिए यहाँ पे जा सकता है। और बिटकॉइन और इथेरियम अगर एक साथ शूट अप कर जाते हैं तो बाकी के टारगेट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इथेरियम में लगभग $11,000 तक का मार्केट मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। तो आपको यहाँ पे एक कह सकते हैं कि आपके ऐसे एक लास्ट चांस होगा जहाँ पे कि आप मार्केट को एग्जिट फिर यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के सीएमई चार्ट के बारे में। तो इसका आई थिंक अभी चार्ट बंद हो गया, नहीं तो मार्केट ऑलमोस्ट अच्छा खासा मूव कर जाता, बट फिर भी जो मार्केट है वो लगभग 4000 के बहुत ज़्यादा नियर है और जो फॉलिंग वेज हमारे पास था उसका टारगेट एटलीस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके टारगेट कंप्लीट होने के बाद मार्केट का अगला टारगेट फिर इसका प्रीवियस हाई ही है जो कि 4400, जैसे कि हमने वहाँ पर बात करी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। फाइनली लाइटकॉइन ने बहुत अच्छी रैली दी है, आप देख सकते हैं जो टारगेट मैंने आपको बताया था अभी वो तो हिट नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट 192 तक हिट कर गया था। तो अगर आप ये रैली एंजॉय कर पाएँ तो वेल एंड डन, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिला है। अगर आपने मिस कर दिए तो कोई बात नहीं, दोबारा से प्राइस अगर 180 से लेकर 175 के बीच में आता है तो हमें दोबारा रैली मिल सकती है और फिर से टारगेट 195 एंड $232 का यहाँ पे सिंपली रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक ने भी बाउंस करने की कोशिश करी है बट इतना ज़्यादा इफेक्टिवली बाउंस नहीं था, छोटा सा एक बाउंस है जो कि हमें 5% का मोमेंटम मिला है। तो हम भी यही वेट करेंगे कि वापस चेन लिंक अगर 26-27 की रेंजेस में मिलता है तो फिर से वही $30 and $34 का टारगेट स्टिल हम लोग लेके यहाँ पे चलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग बाइनेंस कॉइन के बारे में। फाइनली बाइनेंस कॉइन ने हमारी जो एंट्रीज हैं उसको फिल कर दिया है, हालांकि ड्रॉप बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है 12% का, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी जो हमारी एंट्रीज थी $440 की वो फिल हो चुकी हैं। और इसके बाद से मार्केट अगर इसकी क्लोजिंग अभी तो 3 घंटे हैं हालांकि कैंडल में, लेकिन अगर ऊपर ही क्लोजिंग करता है तो यहाँ से मार्केट के अंदर हमें फिर से अपर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप तैयार रह सकते हो कि हाँ जो BNB कॉइन है वो भी आपको एक अच्छा मोमेंटम आने वाले टाइम के अंदर ज़रूर यहाँ पे दे सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं XRP के बारे में। तो फाइनली XRP नीचे ना आके ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है बट अभी भी यहाँ पे इतना प्रॉपर वॉल्यूम नहीं आया है एंड इसका जो कंसिडरेशन है वो जस्ट एक पैरेलल चैनल से आप देख सकते हैं जो कि एक बियरिश चैनल की फॉर्मेशन में रहता है, यानी कि अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाएगा 1.15 के तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे गिर के वापस फिर बाउंस करने की कोशिश करेगा। और अगर आप इस चैनल का ब्रेकआउट देखते हैं इसी पॉइंट से जैसे हमने बिटकॉइन के CME चार्ट के अंदर देखा था, तो उसी तरीके का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर ईजिली मार्केट 1.4 को होल्ड कर लेगा, तो आपको $1.15 के ऊपर मार्केट का होल्ड होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। नियो के अंदर भी लगभग सेम से सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, अगर आप चेक करने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी आपको एक बियरिश चैनल देखने को मिल रहा है जिसके चांसेस यही होते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक होगा, तो लगभग हम 41 के आसपास बाइंग के बारे में सोच सकते हैं वहाँ पे अगर मार्केट आता है। जैसे मैंने पहले भी बनाया रखा है कि अगर यहाँ पे या इस जोन के बीच में मार्केट आता है तो हमें कहीं ना कहीं कोई बाय देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप इसमें लॉन्ग की पोजिशन देखना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसका ब्रेक होने का वेट करिए, ये वाला जो लेवल है थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा जो कि अप्रॉक्स $46 के आसपास है, यानी कि अगर 46 के ऊपर मार्केट ब्रेक करता है देन आप फिर इजीली जा पाएंगे लॉन्ग की पोजीशन में। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो नीचे हमें डिप अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मार्केट से मिलने वाली हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट हालांकि इतना ज़्यादा नीचे नहीं आया, $38 जो हमने एक्सपेक्ट करा था, मार्केट वापस से बाउंस करा है और अपना जो टारगेट है उसको वापस से हिट कर चुका है। तो अब दोबारा से जो री एंट्रीज है वो हमें $40 से लेकर $41 के बीच में ही मिल जाएंगी, तो यहाँ पर अगर मार्केट डिप करता है तो वो टारगेट हमें $50 का देखने के लिए मिल सकता है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा सडन डिप आता है देन ही हम $38 को फिर कंसिडर करेंगे, नहीं तो $40 तक का हम अपना बाय बिट डाल के चल सकते हैं जहाँ पे कि हमें एक डिप करेक्शन मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर $50 हमारे लिए एक नियरेस्ट टारगेट यहाँ पे पॉसिबल रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में। जो मैंने आपको बताई दिया था इसका डिप आ चुका था एंड मार्केट ऑलमोस्ट 605 तक आ गया है, तो लगभग हमारी जो एंट्रीज है उनके आसपास यहाँ पे फिल हुआ है। वहाँ से भी मार्केट ने एक अच्छा बाउंस दिया है 6% का, और अगर आप इसको कंटिन्यू भी रख रहे हैं तो इसका प्रीवियस हाई भी मार्केट ब्रेक कर चुका है एंड इस पोजीशन पे बस हमें यही लेवल के ऊपर सस्टेनेबिलिटी चाहिए रहेगी। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट प्रॉपर्ली सस्टेन करता है तो $700 ईजी टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो बुल फ्लैग की हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी हुई थी या फिर आप डाउन चैनल की, तो उसके अकॉर्डिंग 700 का टारगेट एक पॉसिबल और नियरेस्ट टारगेट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोल के बारे में। फाइनली सोल ने कल यहाँ पे अच्छा खासा होवर किया था, मार्केट ऊपर ब्लास्ट कराए। दोबारा से एक बोलूँगा कि अब मार्केट वापस अगर डिप करता है 150 और 155 तो हम वापस से लॉन्ग के ट्रेड में जा सकते हैं। टारगेट के लिए 172-215 है क्योंकि अभी इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे आ चुका है, इसके नीचे अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में गिरेगा देन कोई सेंस नहीं बनने वाला, तो स्टॉप लॉस को हम 145 के नीचे डाल के चल सकते हैं या फिर मैक्सिमम $143 के नीचे। बाकी कोई भी टिप अगर मिलता है वही $155 से $150 तो हम वहाँ पे उसको कैच कर पाएंगे और टारगेट्स में हम 170 एंड 215 के आसपास रख के यहाँ पे फिर चल सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो स्टिल स्ट्रगल कर रहा है, जो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि इसका स्ट्रगल अभी भी जारी है। अब देखते हैं कि किस तरह ब्रेक कर पाता है, बट हम बुलिश तभी होंगे जब एटलीस्ट $2.4 यहाँ पर ब्रेक हो जाए, नहीं तो फिर जो मार्केट है वो वॉल्यूम ब्रेक के साथ नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोमेंटम दे सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा इस पॉइंट पे कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, और जो भी चेंजेस होंगे उसको फिर हम लोग अपडेट कर लेंगे। वैसे भी रेगुलर वीडियोस आपको वहाँ पे मिली जा रहे हैं। तो ये था दोस्तों सारे के सारा हमारा वीडियो में अल्ट्स जो कॉइंस। एंड इसके अलावा अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करें तो एक बहुत अच्छा सिम्टम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जो पिछला इसका ऑल टाइम हाई था अप्रॉक्स 2.499 ट्रिलियन पे, वो ब्रेक करके मार्केट 2.53 ट्रिलियन तक गया है। अब मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि फिर मार्केट अपनी नेक्स्ट रैली के लिए, यानी कि नियरेस्ट टारगेट 3 ट्रिलियन के लिए जल्दी यहाँ पे निकल सकता है। और ये अगर निकलेगा तो बिटकॉइन को स्पीडली ऊपर की तरफ पुश करेगा। एंड इसके साथ साथ हमारा 5 ट्रिलियन तक का टारगेट है ही, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। आज सुबह भी मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें सारी चीज़ें मैंने बताई डिटेल के अंदर, आप चाहते तो उसको देख सकते हो। और इसी के साथ एक मैंने एसेंडेक्स पे आपको बताई अपॉर्चुनिटी जहाँ पे कि हम अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं, तो इसको भी डेफिनेटली चेक जरूर करिएगा। इसके साथ यहाँ पे बात करते हैं टोटल 2 के बारे में, जो कि अल्ट1 की मार्केट कैप है। इसमें कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आया है, तो कंसोलिडेशन फेज ही हम इसको मान के चलेंगे। बट मैंने आपको बता चुका हूँ कि 1.48 यानी कि 1.5 ट्रिलियन के ऊपर कुछ भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट 2.6 ट्रिलियन को टेस्ट करने के लिए फिर रेडी वहाँ पे हो जाएगा। तो आप दोनों ही केसेस के अंदर चीज़ों को देख के चल सकते हैं। बट आई थिंक कि टोटल मार्केट कैप पहले मूव करेगी, और हो सकता है कि अल्ट1 मार्केट कैप वहाँ पर थोड़ा सा साइड में चलता रहे। तो अभी आप बिटकॉइन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो, जैसे ही आपका बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है या फिर चीज़ें होती हैं तो अल्ट1 पर शिफ्ट वहाँ से फिर हो सकते हैं। तो बस यही थे सारे कॉइन, अब चलते सिर्फ अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है रशिया के, आप कह लीजिए पीएम की तरफ से या प्रेसिडेंट की तरफ से, जो कि है पुतिन। और इनका कहना है कि ये थोड़ा सा अर्ली है कहना कि हम लोग क्रिप्टो को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऑयल ट्रेड या फिर सेटलमेंट या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए। बट कहीं ना कहीं जो यूएसए के सैंक्शंस इनके ऊपर लग रहे हैं, जो कि मनी प्रिंटिंग सैंक्शंस पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से एक अल्टरनेटिव को यहाँ पे ढूंढ ही रहे हैं कि किस तरीके से काम करा जाए और क्रिप्टो करेंसी इनके लिए यूटिलाइज हो सकती है एज अ सेटलमेंट मनी या फिर एज अ सेटलमेंट करेंसी ऑफ अ फ्यूचर, जहाँ पे इनका कहना है कि इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू भी हमें एक दिन देखने को मिलने वाली है। इसी कारण उन्होंने बताया कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमें डॉलर्स में पे नहीं कर पा रहे और ना ही हमें डिलीवर कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती कि हम दूसरी करेंसी के अंदर सेटलमेंट यहाँ पे करें। अब बात यह आती है कि थोड़े दिन पहले इनका मूड अलग था, आज मूड कुछ अलग हो गया है। देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं। बट कहीं ना कहीं हम सभी को पता है कि क्रिप्टो को एडॉप्ट इनको करना ही होगा, चाहे हाँ करके करें या फिर ना करके यहाँ पे करें। अगली दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है ट्रॉन की तरफ से। ट्रॉन ने बेसिकली पार्टनरशिप कर लिया है सोनी के साथ, सोनी इंटरेक्टिव इंटरटेनमेंट। आपने गेम खेले होंगे PS5 सभी में, जहाँ पे ब्लॉकचेन गेमिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे होने वाला है। तो बेसिकली सोनी क्या कर रहा था कि खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए ट्राई कर रहा था, बट वही बात है कि इतना ईजी नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा इनको चैलेंजेस देखने को मिल रहा था वो था स्केलेबिलिटी और हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट का, जिसकी वजह से अब इन्होंने यहाँ पे ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप करी है। क्योंकि ट्रॉन की चेन हम सभी को पता है कितनी ज़्यादा पावरफुल है, कितनी ज़्यादा ईजी है, जहाँ पे कि अब इनका ट्रायल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और जितने भी इनके इन गेम के आइटम्स होंगे वो सारे यहाँ पे दिए जाएंगे, प्लस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और ट्रेडिंग भी होगी यहाँ पे गेम के अंदर। तो अगर हम लोग ट्रॉन का भी एक बार चार्ट वापस से देख लेते हैं, हालांकि इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आपने नहीं चेक करी तो डेफिनेटली यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके आप ट्रॉन लिखिए, आपको जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसको मैंने 5 महीने पहले बनाया था, आप लोगों ने बहुत अच्छे उसको देखा करा है। तो एक बार वापस जाके देखिए, क्योंकि चीज़ें में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है एंड स्टिल मार्केट उसी तरीके से मोमेंटम यहाँ पे दे रहा है। बाकी अगर अभी करंट के हिसाब से बात करी जाए तो यहाँ तो पूरा चार्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम कॉइन चार्ट ट्रेडर प्रो पे चलते हैं ताकि हम लोगों को जो डिटेल्स हैं वो देखने के लिए मिल जाए। एंड यहाँ पर अगर हम लोग ट्रॉन की बात करते हैं डॉलर वाइज, तो लास्ट टाइम मैंने ये वाला लेवल आपको बताया था, जिसके नीचे फिलहाल में प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। आप भी इसको वीकली या 3 डे में देखोगे तो हल्का फुल्का चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो प्राइस है वो बेसिकली इसके नीचे कंसोलिडेट हो रहा है 0.1 के, और यहाँ से मार्केट अगर बूम करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि इस तरीके का एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जिसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट अक्टूबर के एंड तक हमें कोई ना कोई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और अपसाइड में ये ब्रेकआउट अगर मिलता है 0.1 के बाद, तो मार्केट इजली 0.16 से लेकर 0.3, जो कि इसका पिछला हाई है, इसको टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। एंड एक चीज़ बता दूँ कि जब मार्केट अपनी साइकिल को स्टार्ट करेगा तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं जस्ट एक
पिछले साइकिल का ही कवर अप होगा। इसके बाद जब रियलिटी में मार्केट भागना शुरू करेगा तो वो हमें एक्चुअल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और इसी के तौर पे आप यहाँ पर भी यही सिमिलर सी चीज़ देख सकते हैं कि मार्केट इसी फॉर्मेशन को ब्रेक करता है। तो यहाँ पर आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम है डेफिनेटली, ट्रॉन के हिसाब से अगर बात करी जाए तो हमें इसका वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल को एक बार ब्रीच कर दें, क्योंकि ये लेवल ब्रीच होकर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो मार्केट के पास 0.17 और 0.3 एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल ही जाएंगे। बाकी अगर आप ट्रॉन को BTC पेयर के अंदर देख रहे हो इसी पोजीशन के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी डाउट है डेफिनेटली, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गिर भी जाए, क्योंकि अगर बिटकॉइन ने सडनली जंप लिया तो हो सकता है सतोशी पेयर्स यहाँ पे थोड़े गिरे। बट करेंटली जो अभी सपोर्टिव रेंजेस हैं वो यही वाली चल रही है ट्रॉन की, जहाँ पे कि मार्केट 140 सतोशी के आसपास आके होल्ड कर सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड हो जाता है तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ मार्केट अपनी नई रैली स्टार्ट कर सकता है, और 800 सतोशी तक हमें फिर मैक्सिमम यहाँ पे मार्केट जाता हुआ मिल सकता है। बाकी जो चीज़ें वो समय के साथ फिर हम लोग आगे की तरफ यहाँ पे देख लेंगे। बट हाँ, ट्रॉन की पार्टनरशिप एक अच्छी है, देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कितना फ्रूटफुल होता है और कहीं ये पार्टनरशिप टेम्पररी यहाँ पे ना निकले। अगली दूसरा पे खबर आ रही है टेथर की तरफ से, टेथर और बिटफिनिक्स, और कहीं ना कहीं इनके ऊपर यहाँ पे 42.5 मिलियन का आप कह सकते हैं कि फाइन यहाँ पे दे दिया है CFTC ने, जो कि यहाँ पे अनट्रू या फिर मिसलीडिंग क्लेम्स इन्होंने बताया। इनका कहना यही था कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो वॉल्यूशन करा है पॉलिसी का, और इनका जो वन क्वार्टर की आप कह सकते हैं जो पिछले अगर हम बात करें 2016-18 में, तो 26 महीने में ऐसा हुआ है कि ये फुल्ली रिजर्व ना होकर सिर्फ वन क्वार्टर का ही रिजर्व इनके पास था। एंड इनके झगड़े यहाँ पे चलते रहने तो सारी चीज़ चलती रहेंगी। तो ये अब यहाँ पे एक नई अपडेट है जहाँ पे कि 42 मिलियन का इनके ऊपर यहाँ पर एक फाइन यहाँ पे जड़ दिया गया है। अब इससे क्या आउटपुट निकलेगा इतना तो कुछ खास है नहीं, बट मे भी हो सकता है कि अपनी जो फाइनेंस बुक से उनको थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी प्रॉपर हो जाएं और आगे जाके हमें ये सिचुएशन देखने को ना मिले। अगली दूसरा पे खबर आ रही है क्रिप्टो फिनसर्फ की तरफ से, जो कि है बैक्ट। आप सभी को पता होगा बैक्ट के आने पर हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और अब यहाँ पे फाइनली जो बैक्ट है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट यहाँ पे होने जा रहा है। तो बेसिकली इनकी कॉम्बिनेशन कंपनी थी जहाँ पे कि इनका कॉम्बिनेशन था VPC इंपैक्ट एक्वाइशन होल्डिंग के साथ, और अब ये यहाँ पे टोटली बन चुके हैं बैक्ट कंपनी। तो इनके जो शेयर्स होंगे बैक्ट ए क्लास और बी क्लास के वो यहाँ पे जाएंगे। बेसिकली ए क्लास के ही शेयर्स यहाँ पे जाने वाले हैं, जो कि बैक्ट और बैक्ट WX के नाम से जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो की एक कंपनी एक और मेन स्ट्रीम यहाँ पे हो जाएगी, और नेस्टेक पे जाना एक बड़ी बात है, क्योंकि जो आप कह सकते हैं वॉल स्ट्रीट या फिर जो रिटेलर्स सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको नेस्टेक पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अगली दूसरा पर खबर आ रही है जैक डॉर्सी की तरफ से, और जैक डॉर्सी बेसिकली यहाँ पे बनाना चाहते हैं बिटकॉइन माइनिंग डिसेंट्रलाइज, या फिर आप कह सकते हैं एक ओपन सोर्स बिटकॉइन माइनिंग सिस्टम जिसको कि हर कोई यूज़ कर सके। ऑलरेडी इन्होंने अपने ट्विटर में सारी चीज़ें बताई हैं, तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। अब देखने के किस तरह यहाँ पे इसको डेवलप करेंगे, किस तरह डिज़ाइन करेंगे, बट कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि हम एक ओपन सोर्स बनाएंगे जिससे कि सब लोग उसमें कोऑर्डिनेट कर सकें, और ओपन सोर्स होना एक बेटर भी रहेगा क्योंकि अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन माइनिंग के अंदर हमें देखने को वहाँ पर मिल जाता है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है प्रो शेयर्स की तरफ से, हो सकता है कि जो प्रो शेयर है इनका भी ETF हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए, और इन्होंने भी यहाँ पे अप्रूवल मिल सकता है वेलक्रे के बाद में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि प्रो शेयर जो है वो भी बेसिकली न्यूयॉर्क स्टॉक पे यहाँ पे लिस्ट हो जाए। हालांकि अभी इतनी ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, अब देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं, पर अब ETFs की बातें होती रहेंगी तो इसको हम लोग आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। इसी के साथ जो अगली खबर आ रही है वो भी दोस्तों आ रही है ETF को ही लेकर, जहाँ पे कि जो SEC है बेसिकली वो अप्रूव कर सकता है ETF वेलक्रे का, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बेसिकली एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे निकल के आया, जहाँ पे कि नैस्डेक के ऊपर इनकी जो लिस्टिंग है उसके बारे में सर्टिफिकेट्स कुछ निकले हैं। अभी कितने ज़्यादा सही है कितना नहीं वो तो हमें आने वाले टाइम में पता पड़ ही जाएगा, बट इसके थ्रू यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो वेलक्रे है वो यहाँ पे लिस्ट हो सकता है। और अगर ये लिस्ट होता है तो बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग में ही आने वाला है, जिसके ऊपर भी मैंने आई थिंक कल की एक वीडियो बना दी थी, आपने नहीं देखी तो जाके चेक कर लीजिएगा। आई थिंक मैंने इसके अंदर बताया था या नहीं, आज की वीडियो में ही बताया था, तो आप जाके उसमें चाहो तो आप चेक कर सकते हो। नहीं तो इतना कुछ है अभी है नहीं, फ्यूचर ट्रेडिंग ही यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, बट अगर ये फिजिकली आ जाए तो और ज़्यादा बेटर है। फिजिकली फिर मार्केट से जो बिटकॉइन उनको एक्वायर इन्हें फिर यहाँ पे करना होगा। सो आई होप दोस्तों डियर सभी को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब करिए, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पर पा सकें। तो मैं मिलता हूं आप सभी लोग कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।